नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले यू मुंबा टीम की, मतलब कि कैसा नजर आ रहा है मैं यू मुंबा का स्क्वाड पीके सीजन 11 में, कहां पर नजर आ रही है मैं यू मुंबा की स्ट्रेंथ और कहां पर नजर आ रही है मैं यू मुंबा की वीकनेस, और साथ ही साथ बात करेंगे क्या हो सकती है यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 पीके सीजन 11 में। तो दोस्तों, इन सब पर आज हम करने वाले हैं आपके साथ बात। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको आप जरा सा भी मिस नहीं कर सकते और मिस करना भी नहीं चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसी नजर आ रही है मैं यू मुंबा की टीम इस सीजन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है पीके सीजन 11 का चैंपियन मिलने से पहले हमारे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाना। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए आप दीजिए मेरा साथ और आप भी कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो सके। दोस्तों, पीके सीजन 11 का ऑक्शन खत्म हो चुका है, जिसके बाद सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड बना लिए और कुछ टीमों ने तो अपने प्रैक्टिस कैंप भी शुरू कर दिए, जिसमें आज हम बात करने वाले यू मुंबा टीम की। तो कैसा बना है यू मुंबा टीम का स्क्वाड पीके सीजन 11 के लिए, कहां पर नजर आ रही है मैं यू मुंबा टीम के स्क्वाड में यू मुंबा की वीकनेस और कहां पर नजर आ रही है मैं यू मुंबा की स्ट्रेंथ, उसी के साथ क्या हो सकते हैं यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 इस सीजन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यू मुंबा टीम के स्क्वाड के बारे में। तो कौन से प्लेयर्स को यू मुंबा ने किया है अपने स्क्वाड में शामिल इस सीजन के लिए, जिसमें हमें रेडिंग डिपार्टमेंट में दिखाई देते हैं शिवम ठाकुर, अजित चौहान, मंजित दहिया, एम धनशेखर, सूर्यवर्त सिंह, विशाल चौधरी, सतीश कनन। तो इन 7 रेडर्स को यू मुंबा ने किया है अपने टीम में शामिल इस सीजन के लिए। उसी के साथ दोस्तों, ऑलराउंडर के तौर पर हमें यू मुंबा टीम के स्क्वाड में नजर आते हैं शुभम कुमार, जाफिर दानिश। इन 2 ही ऑलराउंडर्स को यू मुंबा ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है इस सीजन के लिए। उसी के साथ डिफेंडर्स के तौर पर जो प्लेयर्स हमें यू मुंबा के स्क्वाड में दिखाई देते हैं वो है मुकिलम, शनमुगम, सनी, सुनील कुमार, परवेश भेसवाल, गोकुल कनन, आशीष कुमार, लोकेश गोसलिया, सोमवीर गोस्वामी, दीपक कुंडू, रिंकू शर्मा, बिट्टू नरवाल, अमीन घोरबनी। तो इन 12 डिफेंडर्स को यू मुंबा ने किया है अपने स्क्वाड में शामिल इस सीजन के लिए। दोस्तों, यू मुंबा के स्क्वाड के बारे में अगर बात करें तो यू मुंबा ने अच्छे खासे डिफेंडर्स को अपने टीम में शामिल किया है इस सीजन के लिए। रेडिंग डिपार्टमेंट में इतने कुछ ज्यादा बड़े नाम नजर नहीं आते, लेकिन यू मुंबा ने अपना डिफेंस अच्छा बनाया है, जिसमें हमें डिफेंस में दिखाई देते हैं सुनील कुमार। इनको यू मुंबा ने ऑक्शन में खरीदा था 1 करोड़ 15 लाख जैसी बड़ी रकम देकर। उसी के साथ परवेश भेसवाल को भी यू मुंबा ने 19,50,000 देकर अपनी टीम में शामिल किया इस सीजन के। मतलब कि पीके सीजन 11 में हमें सुनील कुमार और परवेश भेसवाल की कवर की जोड़ी खेलती हुई नजर आएंगी यू मुंबा टीम की तरफ से। रेटिंग में जिस प्लेयर को यू मुंबा ने अपनी टीम में शामिल किया था ऑक्शन में, वो थे मंजित दहिया। इनको 80 लाख जैसी बड़ी रकम देकर यू मुंबा ने अपनी टीम में शामिल किया था ऑक्शन में। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है मैं यू मुंबा का स्क्वाड इस सीजन के लिए, जो कि एक संतुलित स्क्वाड नजर आ रहा है, जिसकी कप्तानी खुद इस बार एक अनुभवी कप्तान करने वाले हैं, जो कि आपको पता चली गया होगा कि इस बार यू मुंबा की कप्तानी कौन करेंगे और हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा स्क्वाड। इसमें हमें यू मुंबा का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है वो रहेगा इनका डिफेंस, और उसी के साथ यू मुंबा की जो वीकनेस इस बार नजर आएंगी वो आएंगी रेडिंग डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में से कौन से हो सकते हो 7 प्लेयर्स जो हमें दिखाई देंगे यू मुंबा के स्टार्टिंग 7 में, मतलब कि क्या हो सकते हैं यू मुंबा के स्टार्टिंग 7 पीके सीजन 11 के लिए, जिसमें हमें रेडिंग डिपार्टमेंट को संभालते हुए नजर आएंगे मंजित दहिया, शिवम ठाकुर, जाफिर दानिश। तो ये 3 रेडर्स हमें यू मुंबा के स्टार्टिंग 7 में रेडिंग के डिपार्टमेंट को संभालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ कवर की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे राइट कवर पर सुनील कुमार, उसी के साथ लेफ्ट कवर पर परवेश भेसवाल। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग कवर हमें यू मुंबा की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे पीके सीजन 11 के लिए। उसी के साथ कॉर्नर की पोजीशन की अगर बात करें तो कॉर्नर पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे राइट कॉर्नर पर रिंकू शर्मा और लेफ्ट कॉर्नर पर सोमवीर गोस्वामी। तो ये 2 कॉर्नर हमें यू मुंबा की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 की बात करें तो एक संतुलित स्टार्टिंग 7 बनते हुए नजर आ रही है। अगर इसमें से अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो ये स्टार्टिंग 7 बदल भी सकती है, और अगर स्टार्टिंग 7 यू मुंबा की बदलती है तो इसका नुकसान यू मुंबा को पीके सीजन 11 में भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर यही स्टार्टिंग 7 खेलती है पूरा सीजन, तो हो सकता है यू मुंबा इस बार अच्छा करे और हमें क्वालिफाई होते हुए भी नजर आ सकती है। स्टार्टिंग 7 में यू मुंबा का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इनके डिफेंडर्स, जिस पर कवर पर हमें नजर आएंगे सुनील कुमार, परवेश भेसवाल, ये तो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा ही।
उसी के साथ कॉर्नर पर भी रिंकू शर्मा और सोमीर गोस्वामी, ये दोनों ही अच्छे कॉर्नर है, ये भी इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नजर आएगा। वीकनेस हमें नजर आएंगे यू मुंबई के स्टार्टिंग सेवन में, वो रहेंगे इनका रेडिंग डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे हमें यू मुंबई की टीम पीके सीजन 11 में। तो दोस्तों हमारे जो ये वीडियो थी यू मुंबई टीम का स्क्वाड एनालिसिस, क्या हो सकते है यू मुंबई टीम की स्टार्टिंग सेवन, कहाँ नजर आ रही है हमें यू मुंबई की स्ट्रेंथ और कहाँ नजर आ रही है वीकनेस, इसके बारे में जो हमारी वीडियो थी वो अब यही पर खत्म हो जाती है। तो आपके हिसाब से आपको कैसा नजर आ रहा है यू मुंबई टीम का स्क्वाड, और उसी के साथ जो हमारी स्टार्टिंग सेवन थी उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, किसको स्टार्टिंग सेवन में लेना चाहिए और किसी को नहीं, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और उसी के साथ क्या हमें यू मुंबई इस बार क्वालिफाई होती हुई नजर आएंगी, वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। तो अब हमारी वीडियो यही पर खत्म हो जाती है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपसे हमारी पीकेएल कबड्डी क्रिकेट आईपीएल फुटबॉल स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी वीडियो अपडेट न्यूज मिस ना हो।